लंबे असमंजस के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में निकाय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ सलाह मशवरा के बाद कल शाम ये फैसला लिया गया। आपके इस फैसले से कांग्रेस और शायद भाजपा को जरूर राहत मिलेगी। सभी दलों की नजरें आपके फैसले पर लगी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों के बाद तो आपका चुनाव लड़ना और अहम हो गया था, क्योंकि दिल्ली के नतीजों का सीधा असर पंजाब पर पड़ने के आसार थे। लेकिन दिल्ली में चलते आपने पंजाब में निकाय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक चुनाव ना लड़ने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि समय बहुत कम बचा है और पार्टी की तैयारी पूरी नहीं है। पंजाब में 11 फरवरी को नामांकन का समय है और आपके लिए उम्मीदवारों का भी पता नहीं है। इस बीच पार्टी के अनेक नेता और वर्कर अभी दिल्ली में हैं। बिना तैयारी के साथ चुनाव लड़ने से नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने निकाय चुनाव छोड़ने का फैसला लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अमृतसर से आपके नेता मनजीत सिंह जी। मनजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका इतना बड़ा फैसला है जो नेका की जो चोन है उसमें नहीं लड़ रहे, जबकि दिल्ली में जो एग्जिट पोल का सामने आया है रिजल्ट, उसको देखकर तो शायद पंजाब के लोग काफी ये चाहते होंगे कि जो आप है वो इस चुनाव में अपना पक्ष रखे। हाँ, मैं चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ, मैं अमृतसर से नहीं हूँ। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, ऐसा है कि यही बात है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हम इतना एक अपबीट मूड है दिल्ली से, तो हम बिना तैयारी से इलेक्शन में जाकर के हम लोगों को मायूसी नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए ये लीडरशिप ने फैसला लिया है। सबसे पहले तो ये स्टेट गवर्नमेंट की एक किस्म की ये बड़ी गलत बयानी है, गलत मतलब नीति है कि आप कब, जब पता था कि दिल्ली की इलेक्शन फरवरी में हो रही है, तो उसको बिल्कुल साथ उसके इलेक्शन ये रख दिया है, एमसी का इलेक्शन रख दिया है। अब 11 तारीख जो है, परसों जो है वो उसकी लास्ट डेट है, तो हमारे जो सारा काडर दिल्ली में गया हुआ था, तकरीबन 1000 आदमी जो मेन सारे हमारे वॉलंटियर थे वहां गए हुए थे, तो वो यहाँ आए हैं अभी, कल परसों कोई दो दिन पहले आए हैं, तो कैसे हम कैंडिडेट ढूंढ के स्क्रीनिंग करके सारा कुछ करेंगे। इसीलिए जो लीडरशिप है उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि बिना तैयारी से कोई इलेक्शन लड़ना उससे अच्छा है कि आप ना लड़िए। जी मंजीत जी, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि आपने जो है ये फैसला जो लिया है, इसके बाद दोनों और पार्टियों को इस चीज का जो है वो मिलेगा प्लस पॉइंट? क्या दोनों पार्टियों का, दोनों पार्टियों को क्या कहीं प्लस फायदा मिल सकता है इस चीज का, जब आपने जो है ये फैसला ले लिया है कि वो चुनाव में नहीं आएंगे, तो क्या इन दो पार्टियों को फायदा मिल सकता है? नहीं देखो, दो तीन लोग हैं, अब तो बीजेपी भी कह रही है कि हम ऑटोनोमसली लड़ेंगे, पता नहीं अब ऑटोनोमसली लड़ते हैं कि मिलकर के लड़ेंगे, तो हमारा फायदा या नुकसान की बात नहीं है उसमें, हम तो अपना सोचेंगे। अब उसको किसको फायदा, क्या होता है क्या नहीं होता है, कांग्रेस सोचेगी कि शायद उनको फायदा है कि उनको लगता है कि हम उनकी वोट काट रहे हैं, अर्बन में बीजेपी भी सोच सकती है, वो उससे हमें कोई उसका क्या सोचना है, जब हम अपना विदड्रॉ ही कर लिया इस बात से कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मोर ओवर पैसे तो किसी के पास है नहीं तो वहां कारपोरेशनों में देने के लिए, तो हम इलेक्शन लड़ करके पैसे कोई देने नहीं है, लोगों की डेवलपमेंट कर नहीं पानी है, तो फिर वो भी एक किस्म का हमारे पर चिकड़ी उछालेंगे। पर ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। काडर बहुत तैयार भी थे, जोश में भी थे कि इलेक्शन लड़नी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि दिल्ली वाली इलेक्शन के साथ ये इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गया, तो हम पूरी तैयारी कर नहीं पाए। जी मंजीत जी, यहाँ एक बात ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली में जैसे कार्यकर्ता पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं, एग्जिट पोल का नतीजा जो है आपके पक्ष में आया है, तो क्या इस वजह, अब जब पंजाब में आप निकाय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं में कुछ रोष है, या कहीं वो मतलब लग रहा है कि हमें ये जो इलेक्शन थी वो लड़नी चाहिए थी?
देखो मायूसी तो होएगी क्योंकि एक्चुअली लोग जो हैं धरती लेवल पर लड़ाई देने के लिए तैयार हैं। आपको पता है पंजाब के लोग तो जुझारू लोग हैं, वो लड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं। ऐसी नहीं है कि लड़ने के लिए नहीं, पर लड़ाई लड़के उसको जीत में बदल देना वो एक दूसरी स्ट्रेटजी है। उसमें थोड़ा अपना टाइम, उसमें रिसोर्सेज और सारा कुछ चाहिए। वो सिर्फ लड़ने से लड़ाई जीत नहीं पाओगे ना, तो सिर्फ लड़ने के लिए भी लड़ना चाहिए। यही है कि केजरीवाल जी ने शायद ऐसे सोचा होगा, मुझे डिटेल का अभी नहीं पता चला। हमारे पंजाब के लीडर भी थे वहां और केजरीवाल जी भी थे, जिसमें ये फैसला हुआ मिल करके कि ये इलेक्शन जो है नहीं लड़ी जाएगी। जी मजीद जी, इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।